हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स गुरु। इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं मध्यमान प्रमेय, लैग्रांजे की मध्यमान प्रमेय, मीन वैल्यू थ्योरम्स के ऊपर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रोलेस प्रमेय की बात की थी, रोले की प्रमेय, रोल्स थ्योरम, वो भी डिफरेंशियल से ही रिलेटेड थी, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन से, अवकलज के अनुप्रयोग से। उसमें हम लोगों ने बात की थी कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस हो, डिफरेंशिएबल हो और दोनों की हाइट क्या हो, एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट पर सेम हो, तो कम से कम एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर dy by dx क्या होगा, जीरो। ये बात हम लोगों ने की थी रोल्स थ्योरम में। यहां पर ये दो कंडीशन होती थी, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल वाली। उसके बाद अगर एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब जैसे अगर फंक्शन इस तरह से है तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पर हाइट दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी आप रोल्स थ्योरम लगा सकते थे। लेकिन यहां पर क्या है, अगर मान लीजिए हाइट सेम ना हो, ये हाइट यहां पहुंच जाए, उस केस में क्या होगा, क्या रोल्स थ्योरम वैलिड होगी? तो उस समय रोल्स थ्योरम नहीं वैलिड होगी, उस समय हम लगाएंगे लैग्रांजे थ्योरम, लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। एनसीईआरटी में इस थ्योरम को सिर्फ मीन वैल्यू थ्योरम नाम से पढ़ाया गया है। तो लैग्रांजे की मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है कि आप स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट इन दोनों को मिला दीजिए ऐसे एक लाइन से, तो इस लाइन की कुछ टेंजेंट होगी। एक बार फिर से डिटेल में देखिए पहले इसको, कि अगर मान लीजिए फंक्शन की हाइट सेम ना हो, अगर हाइट सेम होगी तब तो रोल्स थ्योरम लगेगी, रोले की प्रमेय। अगर हाइट सेम ना हो, इस तरह से हो, तो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को मिलाते हुए आप एक लाइन खींच दीजिए। ये लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहीं तो कट करेगी, ऐसे जाएगी अगर, तो थीटा एंगल बनेगा। ये थीटा का अगर टैन ले लिया जाए, टैन थीटा, तो यही स्लोप हो जाएगी, प्रवणता हो जाएगी इस रेखा की, जिसको हम कहेंगे इस वक्र के शुरुआत और अंतिम बिंदु से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता। तो कम से कम एक बिंदु सी इसमें ऐसा होगा कि अगर उस पर स्पर्श रेखा खींची जाए तो इसकी स्पर्श रेखा, इसकी स्पर्श रेखा समांतर होंगी, मतलब कम से कम एक रेखा तो ऐसी होगी ही कि जो इस रेखा के समांतर होगी। तो उसी बिंदु को ही हमें ज्ञात करना रहेगा, वो बिंदु क्या होगा, सी, जो कहां से कहां के बीच में आएगा, ए से बी के बीच में। लेकिन इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम लोग, तो आप ये देखिए कि अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो इसकी प्रवणता और इसकी प्रवणता बराबर होगी, तो बस प्रवणताएं ही इसमें बराबर करनी है। चलिए इस चीज को फिगर से समझते हैं। जैसे ये ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ के एंड पॉइंट कौन कौन से हैं, ये है x इक्वल ए, ये x इक्वल बी। तो यहां पर हाइट क्या होगी, हमने हाइट के बारे में बात की थी पिछले वीडियो में, कि अगर किसी फंक्शन में आप x की वैल्यू रख दीजिए तो वही फंक्शन की हाइट, फंक्शन की ऊंचाई हो जाती है। तो जैसे यहां पर देखें तो x की वैल्यू a है, तो इसकी ऊंचाई यहां पर कितनी होगी, fa, क्योंकि y बराबर fx है, fa, ये हाइट कितनी हो गई, fa। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या बनेंगे, x, y होता है, x की जगह कितना है a, y की जगह कितना है fa। सेम इसी तरह से यहां पर चेक करें तो x की वैल्यू कितनी है b, तो हाइट कितनी हो जाएगी fb, तो a कॉमा सॉरी b कॉमा fb, ये हो जाएगी इसकी हाइट। ये फंक्शन है, इस फंक्शन के एंड पॉइंट यानी अंतिम बिंदुओं से एक रेखा होकर जा रही है, तो कम से कम एक रेखा ऐसी होगी, स्पर्श रेखा, जिस जो इसके समांतर जाएगी। तो ये वाली स्पर्श रेखा जो है इसके समांतर है, तो इसका मतलब इन दोनों की प्रवणता क्या होगी, बराबर। तो प्रवणता के केस में हमने बताया था कि अवकलन स्पर्श रेखा की प्रवणता को प्रदर्शित करता है। तो इस ग्राफ की प्रवणता कैसे निकालेंगे, अवकलन कर देंगे। अवकलन करने पर मिलेगा क्या, एफ डैश एक्स, ये प्रवणता बराबर हो जाएगी किसके, इस रेखा के। तो इसकी प्रवणता कैसे निकालते हैं हम लोग, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। प्रवणता का सूत्र आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, एम बराबर वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। y2 की वैल्यू कितनी है fb, माइनस y1 की वैल्यू fa अपॉन में b माइनस a। तो यही फॉर्मूला जो है यूज होगा किसमें, मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रांजे की मीन वैल्यू थ्योरम। इस बात को क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है fx एक फंक्शन है जिसकी वैल्यू है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। इसके लिए हमें क्या करनी है, मध्यमान प्रमेय सत्यापित करनी है। जबकि दिया हुआ x बिलोंग करेगा कहां से कहां तक, 1 से 4 तक, यानी इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए कितना है, एक, और अंतिम बिंदु कितना है, बी बराबर 4। तो ये दोनों पॉइंट मिल गए हमें।
उसके बाद लैग्रांजे प्रमेय लगाने के लिए या मध्यमान प्रमेय जिसे हम कहते हैं ये लगाने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि फंक्शन जो है वो क्या है, सतत है, कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस फंक्शन चेक करने के लिए आप पहले देखिए बहुपद है ना, तो बहुपद हर स्थिति में सतत होता है, बहुपद कभी भी असतत फलन नहीं होता है, तो ये सतत है। नंबर दो, ये अवकलनीय भी होगा। क्यों अवकलनीय होगा? क्योंकि बहुपद है तो बहुपद अवकलनीय भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है। तो शुरुआत की दो कंडीशन तो प्रूव हो गई और यही कंडीशंस आपको रोल्स थ्योरम में भी प्रूव करनी रहती है। चलिए तीसरी बात पे आते हैं कि कम से कम एक बिंदु तो ऐसा होगा जहां पर प्रवणता इन अंतिम बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता के बराबर होगी। तो उसके लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, एफ ए फंक्शन कितना है, एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस थ्री। तो ए की जगह कितना रखें, वन, तो रख दीजिए एफ ए इज इक्वल एफ वन। तो वन की वैल्यू रखेंगे तो एक का स्क्वायर एक, माइनस चार एकम चार माइनस में तीन, तो एक माइनस चार माइनस तीन होगा, माइनस तीन माइनस तीन माइनस छः। तो एफ ए की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस छः। नेक्स्ट क्या निकालें, एफ बी, तो एफ बी कैसे निकलेगा, बी की जगह रख दीजिए कितना चार, एफ फोर यहाँ रखिए, चार का स्क्वायर माइनस चार इंटू चार माइनस तीन, तो चार का स्क्वायर सोलह और ये चार सौ का सोलह दोनों हो गए कैंसिल, कितनी आ गई वैल्यू, माइनस तीन। किसकी वैल्यू आई है, एफ फोर की। अब वो पॉइंट निकालना है आपको जहाँ पर प्रवणता बराबर होगी, तो उसके लिए क्या करेंगे, इस फलन का अवकलन करेंगे। इसका अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, फॉर्मूले में रखने के लिए एफ डैश एक्स, एक्स स्क्वायर का अवकलन टू एक्स माइनस में चार बराबर एफ बी माइनस एफ ए। एफ बी कितना है, माइनस तीन माइनस में एफ ए, एफ ए कितना है, माइनस छः अपॉन में बी माइनस ए। बी की वैल्यू कितनी, चार माइनस एक, तो माइनस माइनस प्लस, छः माइनस तीन तीन आ गया, अपॉन में चार माइनस तीन तीन आ गया, और इधर कितना है टू एक्स माइनस फोर, तीन से तीन कैंसिल, तो ये माइनस का फोर जो है उधर जाएगा, प्लस का फोर होगा, तो टू एक्स इक्वल हो जाएगा वन प्लस फोर, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 5 बाई टू। तो 5 बाई टू एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता अंतिम बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता के बराबर होगा। अब क्या ये पॉइंट x इक्वल 5 बाई टू 1 से 4 के बीच में आता है, तो 1 से 4 के बीच में आएगा 5 बाई टू, टू इज टू वन बाई टू, तो इसका मतलब मध्यमान प्रमेय सत्यापित हुई। पूरे क्वेश्चन में आपको करना क्या क्या है, पहले सतत दिखाना है, अवकलनीय दिखाना है, एफ ए एफ बी की वैल्यू निकाल लेनी है और एक बार अवकलन करके इस फॉर्मूले में रख देना है। चलिए इस बात को एक और क्वेश्चन से समझते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस थ्री, ए इज इक्वल दिया है वन एंड बी इज इक्वल थ्री। कह रहा है इसके लिए आपको मध्यमान प्रमेय सत्यापित करनी है। सबसे पहली चीज, ये एफ एक्स कैसा है, बहुपद है तो सतत तो होगा ही, सतत के साथ साथ ये अवकलनीय भी होगा क्योंकि बहुपद सतत और अवकलनीय दोनों होता है। कैसे होता है ये हमने सततता में देखा हुआ है, कंटिन्यूटी में। चलिए ये पॉइंट सेट हो गए, प्रूफ हो गए। नेक्स्ट आप एफ ए की वैल्यू निकालिए, एफ ए कितना होगा, एक्स की जगह कितना रख दें, वन, तो एफ वन एक्स की जगह यानी वन क्यूब माइनस फाइव इंटू एक्स का स्क्वायर मीन्स वन का स्क्वायर माइनस में थ्री इंटू वन, तो ये हो जाएगा कितना, वन का क्यूब वन माइनस में फाइव माइनस में थ्री, तो माइनस फाइव माइनस थ्री माइनस एट, वन माइनस एट माइनस सेवन, तो ये आ जाएगा माइनस सेवन। नेक्स्ट एफ बी निकाल लीजिए, एफ बी कितना होगा, एफ की जगह कितना रख दें, तीन, तो तीन रखने पर कितना आएगा, तीन का क्यूब माइनस फाइव इंटू थ्री स्क्वायर माइनस थ्री इंटू थ्री, तो ये हो जाएगा तीन का क्यूब सत्ताईस, तीन त्रिका नौ, नौ बचे पैंतालीस और तीन त्रिका नौ, ये कितना हो गया पैंतालीस और नौ चौवन, तो ये सत्ताईस में आ जाएगा, सत्ताईस माइनस चौवन कितना आएगा, माइनस सत्ताईस। ठीक, तो यहीं पे हम लिख देते हैं माइनस सत्ताईस, कैलकुलेशन का पार्ट है वो आप कर लेंगे, माइनस सत्ताईस। एफ ए और एफ बी मिल गया, नेक्स्ट क्या निकाला जाए, एफ डैश एक्स। क्यों, क्योंकि फॉर्मूले में एफ डैश एक्स चाहिए, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करें अवकलन करें कितना आएगा, तीन एक्स स्क्वायर माइनस में पाँच और एक्स स्क्वायर का टू एक्स होगा, तो हो जाएगा दस एक्स माइनस में तीन, और इसको बराबर कर दें तीन एक्स स्क्वायर माइनस दस एक्स माइनस तीन को बराबर कर दें किसके, एफ बी माइनस एफ ए।
एफ बी कितना है माइनस 27 माइनस में एफ ए कितना है माइनस 7 अपॉन में बी माइनस ए, तो 3 माइनस 1 यानी 2, तो ये हो गया 3x² माइनस में 10x माइनस 3 इज इक्वल में ये हो जाएगा प्लस 7, 7 माइनस 27 माइनस 20 और अपॉन में 2 है तो कितना हो जाएगा माइनस का 10, माइनस का 10 इधर भेजेंगे तो प्लस का 10 जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 10x, जब प्लस के 10 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7, तो प्लस का 7 इज इक्वल 0। अब इसको फैक्टराइज कर लें, इसका गुणनखंड करें, तो गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा 3x² है माइनस में 10x प्लस में 7, तो ये हो जाएगा और बराबर में है 0, 3x² माइनस 7x माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल 0। यहाँ से कॉमन ले लें x, तो अंदर कितना आ जाएगा 3x माइनस 7, यहाँ माइनस 1 कॉमन ले लें तो आ जाएगा 3x माइनस 7 और इज इक्वल में 0, तो 3x माइनस 7 कॉमन लेते ही कितना आ जाएगा अंदर x माइनस 1 इज इक्वल में 0, x की दो वैल्यूज आई 7/3 और दूसरी वैल्यू है x की 1, तो क्या ये दोनों वैल्यूज इन दोनों के बीच में आती हैं, तो देखिए x इज इक्वल 1 यानी एक पॉइंट तो x इज इक्वल 1 होगा जहां पर डिफरेंशिएशन कितना आएगा उसके बराबर टेंजेंट के बराबर, और दूसरा 7/3, 7/3 का मतलब 2:1/3, तो ये 3 से छोटा होगा, तो यानी दोनों पॉइंट इसका मतलब x कहां से कहां तक बिलोंग करता है 1 से 3 के बीच में, तो मध्यमान प्रमेय एक बार फिर से सत्यापित हुई इस क्वेश्चन के लिए। तो सिर्फ करना क्या है हमें, सतत अवकलनीय प्रूव करना है, एफ ए एफ बी निकालना है, एफ डैश एक्स निकालना है, और इन तीनों की वैल्यू उठा के हमें इस फॉर्मूले में रख देनी है। ये फॉर्मूला कैसे आता है, हम रेखा की प्रवणता और स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर कर देते हैं, रेखा की प्रवणता कैसे निकलेगी एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, और स्पर्श रेखा की प्रवणता के लिए हम अवकलन कर सकते हैं तो एफ डैश एक्स। बस यही है लैग्रांजे की मध्यमान प्रमेय, जिसे आप मध्यमान प्रमेय के नाम से भी पढ़ते हैं एनसीईआरटी में। तो इससे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, वीडियो को रिवाइज करके देखें, चीज़ें और क्लियर होंगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स की बात करेंगे इनवर्स निकालने के लिए, एलिमेंट्री ऑपरेशंस प्रारंभिक संक्रियाओं से इनवर्स कैसे निकालें इसकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखिए ये चीज़ें।